हेलो हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टीचर्स डाई टारगेट ऑफ बी एंड आप सभी लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आई हूं और ये सेशन हमारा डिपेंडेंट है किन स्टूडेंट्स के लिए और बेसिकली डिज़ाइन किया गया है किन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे विद्यार्थी जो कि पी कंप्यूटर साइंस के लिए अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं सो एज यू ऑल आर अवेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस वी आर गोइंग टू सी डेटा बस वी आर गोइंग टू सी एड्रेस बस इसके साथ में कंट्रोल बस के बारे में पढ़ें, पढ़ेंगे पढ़ेंगे एज़ वेल एज़ इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सो हेलो वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को आई एम होपिंग यू हैव गॉट दी नोटिफिकेशन अबाउट ई एम आर एस ठीक है सुबह सर ने भी वीडियो बनाया था मैंने भी वीडियो बनाया था और हमने आपको बताया था कि ई एम आर एस का नोटिफिकेशन जो भी है वो आ चुका है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आना बाकी था सो so, अभी इवनिंग में अभी एक घंटे के आसपास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया है थोड़े टाइम में मैं उससे उसको कैसे डीकोड करना है उसका वीडियो भी आप लोगों के बनाने वाली हूँ सो so, पहले जो उन्होंने रूल्स बताए थे उन्होंने क्या बताए थे कि इतनी इतनी वैकेंसी प्रॉमिस है आप लोगों की जिसमें उन्होंने 740 वैकेंसी बताई लेकिन अभी उन्होंने सारी वैकेंसी के लिए इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं कुछ कुछ वैकेंसीज के लिए ही इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं सो so, हमारे पास कंप्यूटर साइंस में निकल के आती है वन अब ठीक है सो so, अब कंपटीशन लेवल और बढ़ गया है क्योंकि जो शॉकिंग रियलिटी देखने को मिल रही है 172 के लिए पहले कितना था 720 सो वी वर एक्सपेक्टिंग के 720 आपकी वैकेंसी आएंगी लेकिन एज लाइक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दी गवर्नमेंट पैटर्न कि जितनी भी वेकेंट सीट्स होती हैं गवर्नमेंट एक बार में उन पूरी वेकेंट सीट को नहीं फिल करती ठीक है ये चीज़ हर जगह हर सिनारियो में सो so, उसका कुछ सेक्शन कुछ पोर्शन गवर्नमेंट फिल कर रही है इस बार में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बेसिकली फ़िल कर रहे हैं ऑन वन सेवेंटी टू पोस्ट है जिसमें भी आप लोगों के सीट्स रिजर्व है डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी सारी चीज़ डिकोड करवाऊंगी एज़ वेल well एज़ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा फिल करना है ठीक है सो इन सभी वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी शेयर करना चाहूँगी बेसिकली कि देखो जॉब भी वेकेंसी इतनी होती है और एक्चुअल में इतनी के लिए आती है ना मतलब खाली सीट इतनी है लेकिन मतलब आपका नोटिफिकेशन इतनी के लिए आया तो कंपटीशन और भयंकर बढ़ जाता है क्योंकि अभी डी ट्रिपल एस का एग्जाम नहीं आ रहा है ठीक है नॉट एनी टाइम सून अभी एक दो महीने में नहीं आ रहा अभी एन का नहीं आ रहा ठीक है तो सभी लोग ई एम आर एस की दारी में जुड़े हुए हैं तो अगर आप सच में चाहते हैं कि हाँ यार ठीक है यहाँ पे मुझे अपनी क्या बोलते हैं अपनी सीट मिल जाए यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का एक नंबर दो नंबर में मुझे मिस नहीं करना है ठीक है तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर अब एक भी दिन ज़ाया मत कीजिएगा क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो चुके हैं आप लोगों के लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है वो रहने वाली है इकतीस जुलाई सो कोशिश कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है मास्टर्स करिए तो आप एलिजिबल हैं ओके सो आप एलिजिबल अगर हैं तो फटाफट जाके आपको फॉर्म भरने और धुआंधार तैयारी में लग जाना है दैट्स इट राइट ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सो इन यास्टरडे सेशन आई टॉक्ड अबाउट कंप्यूटर सिस्टम कि वेन एवर यू थिंिंक अबाउट कंप्यूटर दिस इमेज कम्स टू योर माइंड राइट ऐसी कुछ इमेज आपके दिमाग में आती है बट कंप्यूटर दिखता ऐसा है लेकिन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर ठीक है एक हार्डवेयर है उसको आप पूरा कंप्यूटर बिल्कुल नहीं बोल सकते अगर उसमें किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर चलता जरूर है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन अगर आपको उससे कोई काम करवाना है कंप्यूटेशन करवाना है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल अ ओ ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया और आपका जो ढांचा हो गया कंप्यूटर का हार्डवेयर जो हो गया ठीक है जो टेंजेबल पार्ट हो गया वो दोनों मिलके पूरा का पूरा कंप्यूटर बनाते हैं वो जनरल पर्पज कंप्यूटेशन यूनिट तभी मिलके बन के, के आती है जब आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को उसके साथ में जोड़ते हैं चलिए दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इसके बाद में मैंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया था कि हमारा किस तरह का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है तो ये आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड रूप में फॉलो किया जाता है वी हैव सम ऑफ दी इनपुट डिवाइसेस वी हैव आउटपुट डिवाइसेस एंड वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन विच वी हैव सी यू इज़ कंट्रोल यूनिट एज वेल एज ए एल लॉजिक यूनिट दोनों की जॉब मैंने आपको बता दी थी ठीक है इसके साथ में मेमोरी यूनिट होती है अब सीपीयू को कोई भी चीज़ कंप्यूट कंप्यूट करनी हो कोई भी चीज़ उसको काम करने को दिया गया आपने उसको मेमोरी की ज़रूरत है ठीक है मेमोरी की ज़रूरत है सो मेमोरी से वो बातचीत करता रहता है सो दैट्स हाउ योर आर्किटेक्चर लुक्स लाइक अब बात करते हैं कि यार की फ़ीचर्स क्या है इस आर्किटेक्चर के लेट्स टॉक अबाउट दिस की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर सो द मोस्ट बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स ठीक है कोई भी प्रोग्राम जिसको आप क्या बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो कोई भी प्रोग्राम जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट करना किसका काम है भाई कंप्यूटर का काम है बेसिकली सीपीयू का काम है सो द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विच सप्लाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेशन आपको हो सकता है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना फॉर एक्जाम्पल यू वॉन्ट कंप्यूटर टू डू टू प्लस थ्री ठीक है सो दिस इज एन ऑपरेशन ठीक है दिस इज एन इंस्ट्रक्शन सो ये चीज़ आप लोग सप्लाई करोगे जब इसको सप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं सो वी नीड टू सेंड दिस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट देन कंप्यूटर सीपीयू पी वे एनालाइज दिस एंड देन इट विल कंप्यूट दिस ठीक है द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड इसके साथ साथ डेटा भी देना पड़ेगा ठीक है सो यू हैव टू इंसर्ट टू एंड थ्री राइट सीपू के पास जाना पड़ेगा इसको कि क्या चीज कंप्यूट करनी है किस चीज का प्लस करके देना है कि टू प्लस थ्री करके मुझे देना है सो दैट इज वन ऑफ द की फीचर लाइक आई टोल्ड यू कि इस तरह का हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर दिखता है वी वी हैव हैव मेमोरी यूनिट इंटर इनपुट आउटपुट बसेस ठीक है इसके साथ में अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं फटाफट क्विकली रजिस्टर्स को रिवाइज कर ले क्योंकि काम आएगा क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज सो so क्वेश्चन अगर आपके आज दिखने वाले हैं तो ये चीज़ें हमें फिर से पढ़नी पड़ेंगी रिवाइज़ करनी पड़ेगी वी हैव एम ए आर विच इज़ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम ही कह रहा है कि यार ये ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप मेमोरी का एड्रेस ठीक है कि यार पता जो होता है ना पता भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना सो वो कहाँ पे होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होता है नो no मैटर आप क्या कर रहे हो हर एक चीज़ की लोकेशन होती है उस लोकेशन का एड्रेस कौन स्टोर करेगा एम ए आर स्टोर करेगा ठीक है वी हैव अक्यूमिलेटर रजिस्टर इसके नाम में ये लिखा है अक्यूमलेटर ठीक है ये इस तरह का रजिस्टर है जो कि स्टोर करता है डेटा टेम्प्रोरीली फॉर कंप्यूटेशन बाय ए सो एएलू का काम है वो एक्चुअल में कंप्यूटेशन आपकी करके देगा उसको डेटा चाहिए सो डेटा टेम्प्रोरीली स्टोर कौन करेगा भाई अक्यूमलेटर रजिस्टर करेगा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लिखा गया है, दिच इज टेम्प्रोरली ठीक है टेम्प्रोरली सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे डेटा रजिस्टर एज द नेम से डेटा को स्टोर करेगा ठीक है इट इज एक्चुअली यूज टू स्टोर दी डेटा देन वी हैव प्रोग्राम काउंटर जो कि काउंट रखता है जो कि ट्रैक रखता है इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आएगा कौन आएगा उसके बाद में कौन आएगा कौन सा इंस्ट्रक्शन है किसको पहले प्रायोरिटाइज किया जाए किसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाए एवरीथिंग इज डन बाय प्रोग्राम काउंटर देन वी रीड अबाउट एक्चुअली वी हैव रेड अबाउट द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एज वेल ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं सो so, आई एम होपिंग कि आप उसको देख के आए अगर नहीं भी देखें हैं तो कोई बात नहीं आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन से पहले लोड किया जाता है चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनपुट आउटपुट सिस्टम सो इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइज बोल दीजिए ये कुछ नहीं कुछ डिवाइज हैं जिसमें से कुछ इनपुट का काम करती है कुछ आउटपुट का काम करती है ठीक है इन सबको कलेक्टिवली बोल के आप लोग इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको नाम देते हैं चलिए सो इनपुट आउटपुट सिस्टम इनवॉल्व आई एन ओ डिज ठीक है अलाउज डेटा इनपुट डेटा को इनपुट के रूप में लेती हैं एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर्मैट और डेटा को रिपोर्ट भी करते हैं रिजल्ट को रिपोर्ट भी करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में और एक प्रॉपर फॉर्मैट में चलिए ठीक है दिस मच इज आई थिंक यू ऑलरेडी नो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली नीड्स दिस सिस्टम इंटरकनेक्शन ठीक है अगर कंप्यूटर को कुछ भी करना है ना उसको अगर माउस चाहिए ठीक है क्या आपको लगता है अगर माउस में वायर नहीं होती तो आप माउस से काम कर पाते कनेक्शन इज रिक्वायर्ड ठीक है सो फॉर दैट यू कैन यूज अ वायर्ड माउस और यू कैन यूज अ वायरलेस माउस अब वायरलेस कैसे काम करेगा फॉर दैट मे बी यू आर यूजिंग अ ब्लूटूथ वाला माउस ठीक वा है जिसके अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है सो ब्लूटूथ से आप लोग उसको क्या कर रहे हो गाइड कर रहे हो या सोनो सो so, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो इंटरनली पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड होता है वन सच इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर इज़ बस इंटरकनेक्शन यार एक जगह से दूसरे जगह में जाना है डेटा को जाना है वो किसके माध्यम से जाएगा बसेस के माध्यम से जाएगा सो बसेस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इन टू सेशन सो स्टेट यून फॉर दैट राइट चलिए इनपुट आउटपुट वाला काम खत्म कर लेते हैं फिर फटाफट बसेस पर जंप करते हैं सो इनपुट डिवाइजेस वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनपुट डिवाइजिज इनपुट डिवाइज में का जो टर्म है इसमें इनपुट शब्द आपको नजर आ रहा है इनपुट का मतलब क्या होता है कोई चीज़ एंटर करना किसी चीज को निर्देशित करना ठीक है किसी चीज़ को बताना ओके दैट इज द थिंग राइट तो आप लोग बोलते ना चलो इनपुट डालो इनपुट डालो ठीक है सो आर एंटरिंग समथिंग समथिंगट सो इनपुट डिवाइजेस प्रोवाइड एस अ वे टू गिव इनपुट जिसकी वजह से हम लोग इनपुट दे पा रहे हैं एंड इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं कंप्यूटर टू परफॉर्म अ फंक्शन इनपुट डिवाइज ही इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को कि कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है राइट इनपुट डिवाइज की जरूरत पड़ेगी इट कैन बी एनी information और डेटा गिवन टू प्रोसेसर और दिस प्रोसेसर gives दी आउटपुट बाय सम आउटपुट डिवाइज ठीक है कि प्रोसेसर को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और ये इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के लिए इनपुट कौन दे रहा है भाई इनपुट डिवाइसेज दे रही है अब ये प्रोसेसर का जो भी कंप्यूटेशन है वो करके किस देगा आउटपुट डिवाइसेज को देगा जो कि हमें आउटपुट दे देंगी जो कि हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे दैट्स हाउ यू हैव टू सी सो so, यार आज भी ये क्वेश्चन फेमस है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप लोग जानते हैं आज भी ये क्वेश्चन फेमस है और आपके पीजीटी लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं वेरी बेसिक बट स्टिल दे आज दिस क्वेश्चन चलिए लेट्स सी सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट इज कीबोर्ड नो मैटर वेदर यू आर यूजिंग अ वायरलेस कीबोर्ड नो मैटर वेदर यू आर यूजिंग अ वायर्ड की ठीक है कीबोर्ड इज ऑलवेज 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 कंसीडर एज अ इनपुट डिवाइस ठीक है कीबोर्ड पे किसी भी तरह के स्क्रीन नहीं है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इनपुट लेने का काम करता है उसमें काफी सारी कीज होती हैं जिनको प्रेस करके आप लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को दैट्स हाउ की बोर्ड लुक्स लाइक एंड फंक्शन राइट इसके इससे आप अवेयर होंगे सो आई डोंट थिंक इसको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है माउस अगेन नो मैटर माउस इज वायर्ड माउस और योर वायरलेस माउस ठीक है माउस वो इनपुट लेता है ठीक है इनपुट डिवाइस है इसके साथ साथ वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है क्योंकि अगर आपको पॉइंट करना हो ठीक है जैसे कि उसमें एक एरो होता है माउस में ना राइट समथिंग लाइक दिस दिस इज एक्सपीरियंस सो वो आपको कहीं पे भी ले जाएगा वो लेके चला जाएगा उसके ऊपर आप क्लिक करके किसी भी हाइपर टेक्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं सो so, माउस एक तरह के इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है ठीक है देन मैं बात करती हूँ स्कैनर की किसी भी तरह का स्कैनर ओके स्कैनर डिवाइस की मैं बात कर रही हूँ सो स्कैनर डिवाइस क्या लेता है इनपुट लेता है वो डिवाइस इनपुट किसी भी फॉर्मेट में ले सकता है हो सकता है प्रिंटेड टेक्स्ट है आपका हो सकता है आपने हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है हो सकता है आप लोगों का ग्राफिक के फॉर्मेट में है ठीक है मतलब कोई इमेज है उसका कोई इनपुट लो रहा है तो स्कैनर किसी भी तरह का हो सकता है वो स्कैनर्स देखे होंगे ना आप लोगों ने जो हमारी पुरानी फोटो का स्कैन करते हैं यस और नो, ठीक है पुरानी फोटो को स्कैन करते हैं फिर वो आप लोगों को डिस्प्ले करके दे देते हैं कहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर फिर जो फोटोग्राफ एडिट करने वाला इंसान होता है वो बढ़िया बढ़िया उसको एडिट कर देता है हमें अच्छा लगा देता है क्योंकि वो पुरानी फोटोग्राफ थी थोड़ी कटी फटी फोटोग्राफ थी टू बी प्रोसाइज राइट सो स्कैनर क्या करता है स्कैन करता है इनपुट वो लेगा नो no मैटर किसी भी तरह का इनपुट है द इनपुट कैन बी योर ठीक है इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा इट कैन बी अ टेक्स्ट फॉर्मैट इट कैन बी अ ग्राफिक फॉर्मैट ठीक है राइट right? इस तरीके का इट कैन बी अ मल्टी मीडिया फॉर्मैट आप लोगों के मल्टी मीडिया किसी भी तरह का हो सकता है लेट्स टॉक अबाउट लाइट पैन सो लाइट पेन बहुत इंटरेस्टिंग है लाइट पेन क्या है लाइट के फिनोमिना पे काम करता है ऑप्टिकल फिनोमिना पे काम करता है एक पेन जो कि स्कैन कर पा रहा है याद रखेंगे सो दैट इज लाइट पेन बार कोड ये चीज आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी यू मस्ट है ऐसी शॉपिंग एक शॉपिंग प्लेसेस जहां पे आप लोग किसी भी आ, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का एक यूनिक बार कोड होता है वो बार कोड रीड कर लिया जाता है ठीक है अलग अलग तरीके के आते हैं ऐसे हैंड वाले बार कोड रीडर्स भी आते हैं ठीक है थीके? कि वो प्रोडक्ट कैसे रखते हैं और उसको रीड करते हैं उसमें आवाज आती है पक है ना राइट और वो रीड हो जाता है वो चीज़ डिस्प्ले हो जाती है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट की इन्फॉमेशन सो दैट इज़ बार कोड रीडर और मेनली बार कोड रीडर लेजर लाइट के फिनोमिना पे काम करता है ठीक है सो वो भी एक तरीके ऑप्टिकल डिवाइस होगी लेजर लाइट के फिनोमिना पे काम कर रहे हैं ठीक है हैंड भी आते हैं बड़े बड़े बार कोड रीडर भी आते हैं ठीक है अलग अलग तरह के बार कोड रीडर आते हैं मार्केट में लेकिन बार कोड रीडर इन जनरल इनपुट ही ले रहे हैं ठीक है वो स्कैन कर रहे हैं ठीक है वो इनपुट ले रहे हैं याद रखें आप लोग बार कोड रीडर को पॉइंट ऑफ ठीक है सेल डिवाइस भी बोला जाता है ठीक है याद रखिएगा पी लिख देती हूँ मैं इसको पॉइंट ऑफ सेल ऐसी जगह जहाँ पे आप सेल करते हैं किसी चीज को बेचते हैं ठीक है वहां पे आपको बारकोडर रीड की बारकोडर रीडर की जरूरत पड़ती है यस और नो ठीक है कल को कोई शॉपिंग मॉल आपने खोला उसमें हर एक प्रोडक्ट है आप लोगों के पास में उसका हर एक प्रोडक्ट का बार कोड है उसके लिए बार कोड रीडर आपको चाहिए होगा क्यों चाहिए होगा क्योंकि आपको सामान बेचना है सो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ सेल ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में आप लोगों के कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कौन सी है सो याद रखेंगे बार कोड रीडर की वो बात कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोफोन लुक एट दिस ठीक है लुक एट दिस माइक है ना ये माइक्रोफोन मेरी आवाज़ को एज अ इनपुट ले रहा है ठीक है आप लोगों के फोन में माइक्रोफोन है आप लोगों के ईयरफोन में माइक्रोफोन होगा ठीक है सो हर तरह का माइक्रोफोन जो कि आपकी आवाज़ को लेता है एज अ इनपुट इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस ठीक है टच स्क्रीन ठीक है फोन आपका टच स्क्रीन होगा क्या आप उसमें इनपुट डाल सकते हैं डेफिनेटली वे यू डायल अ नंबर किसी भी दोस्त का नंबर अगर आप लोग डायल कर रहे हैं तो आप लोग इनपुट ही तो डाल रहे हैं इसमें ये सोनो नाइन फोर सिक्स वन वॉट एवर योर नंबर इज आप इनपुट डाल रहे हैं सो टच स्क्रीन डेफिनेटली आपकी इनपुट डिवाइस है जॉय स्टिक राइट एनी गेमिंग पर्सन इन द हाउस कोई भी जो गेमर है ठीक है आपका पी एस फाइव पी एस फोर वॉटर इट इज सो जॉय स्टिक आपका इनपुट लेता है आप मूव करवाते हो ठीक है लेफ्ट जाना है राइट जाना है आगे जाना है पीछे जाना है ठीक है तो जॉय स्टिक इज अनदर योर इनपुट डिवाइस ठीक है वैप कैम आप लोग जाते हो किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के लिए कल को अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने गए तो सबसे पहले एक सर बैठे होते हैं आप उन सर के साथ में बैठे हो एक सीट पे ठीक है तो आपको बोलते हैं कैमरे में देखो है ना कैमरे में देखो तो वो कैमरा कौन सा होता है दैट इज़ अ वैपकेम ओके वैप कैम सो वैप कैम या फिर कैमरा इन जनरल है ना इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस क्या ले रहा है वो आपका फेस जो भी चीज़ वो कैप्चर करना चाहते हैं वो एज अ इनपुट ले रहे हैं वो कैप्चर कर रहे हैं ठीक है, so, ले रहे हैं, याद रखें। so, और ठीक है? So, अगर आप इसको रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं अगर आपको कोई भी इनपुट डिवाइस याद है जो कि इनके अलावा है सो प्लीज मैंशन कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, कुछ खास नहीं ठीक है एन आउटपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अम्प्यूटर ये डेटा रिसीव कर रही हैं और फिर उसको ट्रांसलेट कर रही हैं डेटा को इन अन अदर फॉर्मैट जैसे कि आप लोगों का ठीक है क्या मान लीजिए आप लोग नेटफ्लिक्स चला रहे हो ठीक है अपने फ़ोन में ठीक है आपका टच स्क्रीन फोन है आप लोग नेटफ्लिक्स चला रहे हो ठीक है सो so जब नेटफ्लिक्स चला रहे हो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ दिखता है ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एवरी थिंग इज गेटिंग द आउटपुट एट दैट टाइम सो आपको एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है उस टाइम पे सो so, ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि कंप्यूटर से डेटा वो रिसीव करते हैं और हमारी कंफर्टेबल लैंग्वेज में वो चीज़ ट्रांसलेट कर देते हैं अगर हमें टेक्स समझ में आता है तो टेक्स में ट्रांसलेट कर देंगे हमें वीडियो दिख रहा है तो वो वीडियो में ट्रांसलेट कर देंगे मतलब जीरो वन जीरो वन को वो हर चीज़ में ट्रांसलेट कर देंगे सो दिस फॉर्म मे बी ऑडियो आउटपुट डिवाइस आपके ऑडियो की तरह काम कर सकती है यस सोनो एवो एवो वंडर स्पीकर के बारे में आप लोग जानते हो स्पीकर ऑडियो ही तो सुनाई देता है ना स्पीकर में ठीक है ऑडियो गाना सुनाई देता है ऑडियो फॉर्मेट में है सो so स्पीकर एक तरह की आउटपुट डिवाइस हो गई आपको विजुअल मिल सकता है ठीक है विजुअल मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आउटपुट दिख रहा है ना अभी इस स्क्रीन पर यू आर यू आर एबल टू सी दिस यू आर एबल टू सी ऑल दी टेक्स्ट रिटर्न है सो ये विजुअल है आप लोग इसको देख पा रहे हैं ठीक है टेक्सुअल हो सकता है जो डेटा इसमें लिखा हुआ है ये टेक्स फॉर्मेट में है ठीक है या फिर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में हो सकता है ओके प्रिंटर प्रिंट करके देता है कल को अगर एग्जाम देने गए एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ेगी सो एडमिट कार्ड जब प्रिंट होकर आता है तो किस से की वजह से आया प्रिंटर की वजह से आया और प्रिंटर ने क्या करा आपको आउटपुट रिलीज किया आउटपुट दे के दिया ओके सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस लेट्स सी सम ऑफ दी आउटपुट डिवाइस ठीक है सो प्रोजेक्शन पैनल्स एल प्रोजेक्शन पैनल्स जो होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस ठीक है दिस इज अ पैनल ओके दिस इज ए पैनल सो दिस इज दिस विल बी कंसिडर एज आउटपुट डिवाइस क्योंकि यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है ठीक है मॉनिटर मॉनिटर आप चाहे एलसीडी की बात करो चाहे एलईडी की बात करो या फिर वो पुराने जमाने वाला ठीक है वो पुराने जमाने वाला सीआरटी मॉनिटर की बात करो ठीक है एवरी टाइप ऑफ मोनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस एवरी वन ओके प्रिंटर किसी भी तरह का प्रिंटर है चाहे वो इम्पैक्ट है चाहे वो नॉन है ठीक है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं जिसमें जो हमारे पास प्रिंट करने वाला होता है ना ठीक है जो प्रिंट करने वाली यूनिट होती है वो पेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है ठीक है ओके और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें जो प्रिंट करने वाली चीज है वो एक्चुअल में पेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है ओके सो दैट्स हाउ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो सो so, प्रिंटर ऑल टाइप ठीक है सारे टाइप के लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस ठीक है आप लोगों का डेजी व्हील प्रिंटर ठीक है आउटपुट डिवाइस आप लोगों के और भी बहुत सारे तरीके प्रिंटर है ठीक है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किन किन प्रिंटर के बारे में जानते हैं ठीक है थीके? प्रिंटर की भी अपनी स्टोरी है बिल्कुल बात करेंगे प्लॉटर प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है लेकिन वो बड़ी चीजों को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल बैनर्स ठीक है बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं कोई भी नेता आ रहा है वो अपने बड़े बड़े पोस्टर बनवाते हैं तो वो पोस्टर कौन प्रिंट करके दे रहा है वो पोस्टर प्लॉटर प्रिंट करके दे रहे हैं सो प्लॉटर इज वन टाइप ऑफ प्रिंटर ओनली लेकिन अगर मान लीजिए मुझे बड़ा सारा कोई मैप प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर की टाइप हो जाएगी उस टाइम पे ठीक है so, सो उस टाइम पे हमें प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी ठीक है मैप्स के लिए मान लीजिए बैनर बनवाने हैं ठीक है डिस्प्ले के लिए काफी बड़े पोस्टर बनवाने हैं ठीक है डिस्प्ले के लिए अगर मुझे पोस्टर बनवाने हैं सो ये सारी चीज़ें हमारी प्लॉटर से बनती हैं ठीक है थीके? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये चीज़ कि हम लोग हाईवे से जा रहे हैं हमें एक बड़ा सारा एडवर्टीजमेंट दिख रहा है किसी चीज़ का तो वो बड़ा सारा एडवर्टीज़मेंट कहीं ना कहीं तो प्रिंट हुआ हुआ है ना सो प्लॉटर प्रिंट करके देता है सो प्लॉटर वहाँ पर आ गया प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर आउटपुट आपको देता है ठीक है देगा ठीक है एक स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को जहां लोग मूवी देख, देख सकते हो आप लोग अपनी देख सकते हो किसी भी हेडफोन्स आपके आपके ठीक है से ईयरफोन्स में आवाज सुनाई देती है ना किसी से फोन पे बात कर रहे हो गाना सुन रहे हो ठीक है आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है हेडफोन्स आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है स्पीकर और स्पीकर्स साथ में ठीक है आउटपुट डिवाइस है किसी भी तरह का वी डी यू विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है ऐसी चीज जो डिस्प्ले करता हो आपका आउटपुट डिवाइस है फिल्म रिकॉर्डर ठीक है आउटपुट डिवाइस हो गया चलिए एक डिलेमा काफी स्टूडेंट को रहता है कि ऐसी कोई डिवाइसेस हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह काम करती हो येस yes. आपका फोन अगर आपका फोन स्मार्टफोन है स्मार्टफोन की डेफिनेशन क्या है जो कि स्मार्ट काम करता हो आज के दुनिया में इंटरनेट जिसमें चलता हो जो भी अपडेटेड जनरेशन का इंटरनेट या फ़ोन टेलीफोन सर्विसेज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर फ़ोन में चलती हो डिस्प्ले अट्रैक्टिव हो और सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स उसमें चल पाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो दैट इज़ अ स्मार्टफोन ठीक है सो so आप सभी लोगों के पास में स्मार्टफोन होगा टच स्क्रीन फ़ोन होगा सो so आप लोग इनपुट भी डाल सकते हैं उसमें और आपको आउटपुट भी मिलेगा सो एट देन इन दैट केस स्मार्टफोन इज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ठीक है सो कोई भी टच स्क्रीन वाली चीज़ होती है ना वो आपकी आई एन ओ दोनों साथ में होती है इनपुट एंड आउटपुट वो दोनों साथ में होती है वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग हाउ आर यू सुमन जी आई एम होपिंग आर फाइन सो हम आई वॉज टॉकिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइज कि कौन से डिवाइस हैं दोनों साथ में होंगी लेट्स टॉक अबाउट मॉडम मॉडर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे यादव वो ज़माना जब हमारे पास वाईफाई नहीं था यादव वो ज़माना जब हमारे पास फ़ोन में इतना इंटरनेट नहीं था ठीक है अगर हमें इंटरनेट चाहिए होता था तो हम सिम में अपना इंटरनेट चार्ज करवाते थे और हमारे जो डेस्कटॉप होते थे वो कंपैटिबल नहीं होते थे ठीक है डायरेक्ट उसके लिए कनेक्ट करने के लिए क्योंकि वाईफाई वाला सिस्टम नहीं था राउटर वाला सिस्टम नहीं था तो हम एक डोंगल ख़रीदते थे एक मॉडम ख़रीदते थे बाजार से उसमें सिम को इंसर्ट करते थे और फिर उसको

ऑडियो कार्ड साउंड कार्ड ठीक है ऑडियो कार्ड हो गए साउंड कार्ड हो गए एवरीथिंग इज़ अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हेडसेट ठीक है अब यहाँ पे किस तरह के हेडसेट की बात हो रही है मान लीजिए आपके पास एक ऐसा हेडफोन है जिसमें माइक्रोफोन भी है तो जब आप गाना सुन रहे हो उस टाइम पे वो आउटपुट डिवाइस के तरह काम कर रहे हैं अगर वो माइक्रोफोन है मान लीजिए किसी का कॉल आया, तो आपकी इनपुट तो ले रहा है सो so, ऐसे जिनमें आप लोगों के माइक्रोफोन भी होते हैं वो आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों कहलाया जाएगा ठीक है स्पीकर एक्ट एज आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस आई टोल्ड यू स्पीकर आउटपुट माइक्रोफोन इनपुट आई नहीं आई बात समझ में आई एम होपिंग दिस थिंग इज क्लियर लेट मी नो नाउ वी विल टॉक अबाउट बसेस चलिए बसेस के बारे में बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट बसेस सो बसेस क्या चीज है भाई वो स्कूल बस सरकारी बस उस तरह का कुछ बस है क्या नहीं दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ वायर्स बायर्स हैं ठीक है डेटा कैसे जाएगा अंदर कंप्यूटर में ठीक है वायर्स के माध्यम से सो दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ वायरस कनेक्टिंग वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ये वायरस है जो कि कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ठीक है बाहर के वातावरण से भी वो कनेक्ट करने की कैपेसिटी आपको देंगे सो दैट इज बसेस दे आर गुड टू सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज आपका जो डेटा जा रहा है वो वोल्टेज के फॉर्म में तो जा रहा है ना येस और नो ठीक है ओके ऑन है तो वन है ऑफ है तो ज़ीरो है इस तरीके से तो वोल्टेज की फॉर्म है क्योंकि वायर्स हैं बायर्स में वोल्टेज की फॉर्मेट में सो so आप लोगों का डेटा जाएगा सो दिस डेटा कुड बी द एड्रेस ऑफ द मेमोरी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है इट कुड बी दी एवरेज किसी भी चीज़ का एड्रेस हो गया किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया ऐसा एड्रेस जिसको आपको एक्सेस करना है वहाँ से को डेटा आप लोगों को उठाना है ठीक है सो कोई भी एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन हो गया और किसी भी तरह का कंटेंट हो गया या फिर कोई कंट्रोल सिग्नल हो गया मतलब इनकी कैपेसिटी इन बसेस की हर चीज़ की है वो कंट्रोल सिग्नल भी कैरी कर सकते हैं वो किसी का एड्रेस भी कैरी कर सकते हैं वो एक्चुअल में का जो डेटा है वो भी कैरी कर सकते हैं और ये इंडिकेट करते हैं द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द मेमोरी किसको क्या काम करना है ये कौन बताएगा बसेस बता सकती हैं ठीक है सो so, वो इंडिकेट करते हैं आपके टू बी परफॉर्म ऑन द मेमोरी कि क्या चीज़ का ऑपरेशन आप लोग को परफॉर्म करना है सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर कैरिंग किस तरह का डेटा वो लोग कैरी कर रहे हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं हमारी बसेस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ठीक है सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस वी हैव एड्रेस बस वी हैव डेटा बस एंड वी हैव कंट्रोल बस ठीक है याद रखना है आप लोगों को तीन तरह की बस हैं एड्रेस डेटा एंड आप लोगों का कंट्रोल बस ठीक है जो इनका नाम है ना वही इनका काम है सो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है है ठीक लेकिन ऊपर से भी पता होना चाहिए कि एड्रेस बस बस का मतलब क्या है, बस का मतलब मतलब क्या क्या है है डेटा सो लेट्स रीड सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो है एड्रेस बस ठीक है फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम होपिंग यू आर एबल टू गेट वॉट इज यूनिक डायरेक्शनल इन वॉट इज बाई डायरेक्शनल ठीक है अगर मैं आपसे बात कर पाऊ और आप मुझसे बात ना कर पाओ तो ये जो कम्युनिकेशन है वो यूनी डायरेक्शनल है जैसे अभी अगर वॉइस की बात करें कि आपको मेरा वॉइस भी सुनाई दे रहा है आपको मेरा वीडियो भी दिखाई दे रहा है ठीक है सो तो अभी उन मुद्दों पे ठीक है उस बात पे हमारा जो कम्युनिकेशन वो यूनी डायरेक्शनल है ठीक है क्योंकि वॉइस एंड वीडियो का जो डेटा है वो सिर्फ मैं ही भेज पा रही हूँ आपकी तरफ से कोई वॉइस या वीडियो का डेटा नहीं आ रहा मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस ओके सो दिस इज़ अ यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है मान लीजिए हम बाहर मिले होते ठीक है मैं भी आपसे बात कर पा रही हूँ आप भी मुझे देख पा रहे हो मैं भी आपको देख पा रही हूँ और आप भी मुझसे बात कर पा रहे हो इन दैट केस आर कम्युनिकेशन बिकम्स बाई डायरेक्शनल कि वो दोनों जगह से हो पा रहा है आप भी मुझसे कुछ सुन पा रहे हैं और आप भी बदले में मुझे कुछ बोल पा रहे हैं सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क एड्रेस बस के बारे में पढ़ते हैं देखो नाम में लिखा है एड्रेस ऐसी बस जो एड्रेस कैरी कर रही है बस ठीक है सो एड्रेस बस दिस बस इज यूज बाई दीपीड दी चिप ऑन द इनपुट आउटपुट पोर्ट दैट नीड्स टू बी एक्सिस्ट ओके अब मुझे लगता है कभी कभी कि कोई रेलिवेंट चीज जब हम पहले पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है अब आप लोग इसको शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो एड्रेस रजिस्टर के साथ में ठीक है एड्रेस रजिस्टर रजिस्टर इज अमरी यूनिट बसेज आर नॉट अ मैमरी यूनिट दे हैव दैरिंग कैपेसिटी ठीक है आप अगर स्कूल बस में जाते हो आप चाहे किसी भी बस में जाते हो आप वहीं पर रहते थोड़ी ना यस ये सोनो आप वहाँ पर रहते थोड़ी ना वो तो आप लोगों को कम्यूट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने के लिए काम में आती है आप बस में रहते हो क्या नहीं तो जो जहाँ रहता है दैट इज अ मेमोरी एंड जिसको ट्रैवल करवाने के लिए काम में लिया जा रहा है दैट इज अ बस ओके सो एड्रेस बस कैरी करेगा ठीक है आप लोगों का बाय द सी पी यू है ये सी पी यू टू सेंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी चिप और इनपुट आउटपुट पोर्ट दैट नीड्स टू बी एक्सिस्ट हो सकता है ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो वी नीड मैम वी नीड एड्रेस ठीक है सो वो एड्रेस लेके कौन जाएगा भाई एड्रेस बस लेके जाएगी ठीक है कोई भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस का हमें इस्तेमाल करना है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइजिस से हमें कोई बात करनी है ठीक है उसका भी पता होता है उसका भी एड्रेस होता है कौन कैरी करेगा एड्रेस बस कैरी करेगा किसको हमें एक्सेस करना है सारी चीज़ का एड्रेस एड्रेस बस कैरी करेगी एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज दी पी यू दैट इज जनरेटिंग द एड्रेसेज सो बस इज सेट टू बी यूनि डायरेक्शनल ठीक है सी पी यू ही होता है जो एड्रेस जनरेट करता है टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले ठीक है सो सी पी यू एड्रेस की डिमांड करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर आप लोगों के दूसरी चीज़ों से ठीक है सो एड्रेस बस सी पी यू से निर्देश लेके इनपुट आउटपुट डिवाइजेस या फिर मेमोरी चिप पर जा सकती है लेट मी बी वेरी क्लियर दिस इज सी पी यू ठीक है सो so, सी से एड्रेस बस जाएगी कहाँ पर या तो किसी मेमोरी चिप पे ठीक है या फिर आप लोगों का ओके इनपुट आउटपुट उस पर ठीक है मेमोरी चिप से इनपुट आउटपुट पर जाएगा वैसे तो ठीक है याद रखेंगे इसी डायरेक्शन में डेटा आपका फ्लो करता है सो दैट इज यूनिक बदले में तो कुछ नहीं बोलता ठीक है क्योंकि तो एड्रेस ही कैरी कर रही है ना यस येस नो, सो एड्रेस कहाँ पे होगा किसी ना किसी मेमोरी पे होगा या फिर किसी और चीज का होगा अपने पास में सो so एड्रेस बताने के लिए एड्रेस बसों का काम में लिया जाता है और ये होती है यूनी डायरेक्शनल ये याद रखें ठीक है सो so, यहाँ पे इपशिता जी एक क्लास पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सॉरी कि डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या सो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन में भी आप लोगों का बेसिक uh, आई आता है उसमें so, भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सो यस दिस क्लास कैन भी हेल्पफुल फॉर यू लेकिन कल को अगर हम थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं विच इज़ मेंट फॉर कंप्यूटर साइंस ए स्टूडेंट सो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर यू इन द केस ऑफ डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन ठीक है सो ये चीज़ है अपनी चलिए देन वी आर टॉकिंग ऑर द डेटा बस अब डेटा बस के नाम में ही लिखा है डेटा मतलब ये डेटा लेके जाएंगे ठीक है एड्रेस वेड्रेस वा वाली एड्रेस बस का काम है अब डेटा अब डेटा तो यार ये भी हो सकता है कि मैं आपको कल से पूछूं और क्या हाल चाल ठीक है और क्या हाल चाल इज़ अ डेटा ठीक है सो ये डेटा और क्या हाल चाल आपके पास में गया कौन लेके गया डेटा बस आपके पास में लेके गई आपने मुझे बोला कि यस मैम बढ़िया आप बताओ आप बताओ आपके क्या हाल चाल तो आपने भी जवाब दिया अब आपका जो जवाब है वो भी डेटा है ठीक है तो मुझे वो जवाब वापस मिलना भी चाहिए सो इन दैट केस जो डेटा बस होती है दैट इज बाई डायरेक्शनल ठीक है क्योंकि डेटा एक तरह ट्रैवल कर ही नहीं सकता यस ऑर नो ठीक है सो डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है लेट्स टॉक अबाउट दिस कि दिस बस इज यूज टू सेंड द डेटा टू एंड या तो डेटा सेंड कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक है मेमोरी को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को टू सीपीयू चलिए ठीक है डेटा बस जो होती है हमारे पास में अलग अलग साइजेस की हो सकती है इट कैन बी थर्टी सॉरी थर्टी टू ठीक है बिट्स का सिक्सटीन बिट्स का आठ बिट का या फिर सिक्सटी फोर बिट का वो वेरी करता है आप लोगों के okay? डिपेंड करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर है और किस तरह का कंप्यूटर आप लोगों का है ठीक है नॉर्मली इफ द साइज ऑफ द डेटा बस इज एन बिट्स दिस बस इज बाई डायरेक्शनल याद रखेंगे बस जो होती है डेटा बस वो बाई डायरेक्शनल होती है मतलब वो दोनों ही दिशा में डेटा ट्रैवल कर सकता है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट शब्द लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको डिकोड करते हैं ठीक है लेट्स द डेटा इज सेट टू बीग रेड इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मेमरी और इनपुट आउटपुट डिवाइज टू सी चलो ठीक है लेट्स रीड इट अगेन कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कल को अगर आप NCRT भी पढ़ रहे हो हाउ विल यू रीड इट कि डेटा इज बींग रेड इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मतलब मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू में अगर आ रहा है मतलब आप डेटा को रीड कर रहे हो डेटा इज बींग रिटर्न अगर इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सीपीयू यू टू मेमरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक है जो रीड एंड राइट का फंडा है ना जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं तो दैट इज रीड ऑपरेशन अगर आप उसमें कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन करो दैट इज राइट ऑपरेशन ठीक है टू प्लस थ्री ठीक है करके दिया फाइव अब फाइव भेजा है मतलब कुछ ना कुछ बदलाव होगा आपने रिजल्ट दिया है सो so, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से जब सी में डेटा आ रहा हो मतलब डेटा आप लोग रीड कर रहे हो वैच करने की कोशिश कर रहे हो अगर सीपीयू किसी भी तरह का कमांड देता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी को मतलब डेटा राइट किया जा रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ठीक है ओके okay, सोनाली जी इफ यू वॉन्ट इन हिंदी एज वेल ठीक है आई कैन ट्रांसलेट दैट फॉर यू बट वही की हम कंप्यूटर साइंस थोड़ा मतलब जो भी बेस्ट चीज़ें हैं आपके जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो आपके इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं ठीक है सो so, ये एक बात थी आप लोगों को बतानी थी जो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट बस विच इज़ द कंट्रोल बस कंट्रोल बस कंट्रोल करेगा क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है ठीक है कि सारा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा कहीं ठीक है सो दिस कंट्रोल बस कंटेन्स वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स ये कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती हैं दैट इज़ यूज टू कंट्रोल वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू सी ऐसा नहीं कि सी कभी पागल हो जाए ओ माई गॉड ओ माई गॉड वॉट इज दिस गोइंग ऑन ठीक है लेकिन सी ऐसा नहीं होता ठीक है सी कभी ओवरबर्डन नहीं होता हम लोग इंस्ट्रक्शन की लाइन लगाते हैं वन बाय वन वन बाय वन आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं हर चीज़ स्मूदली काम करती है क्योंकि हर चीज़ की गणित बिठाई गई है और कंट्रोल बस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती है

मेमोरी में ठीक है सीपीयू से एड्रेस बस मेमोरी में जा सकती है या फिर आप लोगों के इनपुट आउटपुट इंटरफेस में जा सकती है आई बात समझ में सीपीयू से यहां तक आई बाई डायरेक्शन मतलब सॉरी यूनी डायरेक्शनल ठीक है और ये यूं जा रही है यूनी डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल आपको ये एरो अपकमिंग जाते हुए भी दिख रहा होगा नीचे वाला साइड नहीं दिख रहा होगा ठीक है इसमें अपकमिंग नहीं है इसमें सिर्फ नीचे वाला है दैट मीन्स इट इज़ अ यूनी डायरेक्शनल ठीक है डेटाबास सी पी यू से कुछ चीज़ ले भी सकती है या फिर सी पी यू को बदले में कोई चीज़ दे भी सकती है ठीक है सो दैट्स वाई इट वर्कस एज अ बाई डायरेक्शनल अगेन डेटाबास सी मेमोरी से भी कुछ ले सकता है और मेमोरी को कुछ दे भी सकता है सिमिलरली इनपुट आउटपुट के साथ भी सेम काम है इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रोल बसेस कंट्रोल सिग्नल तो यार हम दे भी सकते हैं सी को और उससे ले भी सकते हैं सिमिलरली मेमोरी को भी दे सकते हैं मेमोरी से ले सकते हैं इनपुट आउटपुट को दे सकते हैं और इनपुट आउटपुट को से ले भी सकते हैं सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग्स वर्क राइट दैट्स हाउ यू हैव टू रीड दिस इम्पॉर्टेंट दिस इंपॉर्टेंट फिगर दिस इंपॉर्टेंट डाइग्राम ठीक है याद रखेंगे आई एम होपिंग द बसेस का कॉन्सेप्ट इज क्लियर चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें एक आध चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके जवाब तैयार हो जाइए बताएंगे आपको दो मिनट दे रही हूं मैं इस क्वेश्चन को आराम से सोचिए और फिर जवाब दीजिए एनीवन ठीक है ये बात कर रहा है कि विच मेमोरी डिवाइस जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स ठीक है सेमी कंडक्टर से मिलकर कौन सी मेमोरी आप लोगों के बनी है सर हार्ड डिस्क आपको पता होना चाहिए मेटल यूनिट बेसिकली मेटल में भी कौन सी बात करो तो एल्यूमिनियम की आपकी बनी है ठीक है एल्यूमिनियम की हमारी बात होगी यहाँ पे एल्यूमिनियम और वो किस पर्टिकुलर फिनोमिना पे काम करती है वो मैग्नेटिज्म के फॉर्म में फिनोमिना पे काम करती है वो एक मैग्नेटिक डिवाइस है ठीक है So, okay, so that's how hard डिस्क वर्क हार्ड डिस्क हटाना पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट अ disk यार ये तो बहुत ही पुराने जमाने की मेमोरी है ठीक है फ्लॉपीडिस्क एम में डेटा स्टोर करने वाली वो भी आपकी मैग्नेटिज्म के फिनोमिना पे काम कर रही है ठीक है तो इसको भी आप हटा देंगे सीडी डिस्क सीडी डिस्क की तो और भी खराब हालत है वो तो प्लास्टिक की है ठीक है प्लास्टिक के ऊपर एक एल्यूमिनियम का प्लेन एक फॉइल जैसा लगा होता है जिसके अंदर आप लोगों का डेटा होता है जिसको आप लोग ऑप्टिकल रीड ऑप्टिकली रीड करते हो सो इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम ओके लेट मी राइट दिस और ये एक तरह की ऑप्टिकल मेमोरी है अगर मैं बात करूँ राम की राम की चिप की ठीक है तो दीज टाइप ऑफ चिप्स आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल ठीक है जो भी चिप मटीरियल होता है थी, दीज आर मेनली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है सिलीकॉन इक दैट ओके सिलीकॉन सो बहुत अच्छा है जिन्होंने भी आंसर करा ऑप्शन नंबर ए ऐसे आप लोगों को सोचना है ठीक है दैट्स हाउ यू हैव टू सी अभी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन आजकल फेमस हो रहे हैं क्योंकि पहले कोई नहीं पूछता था सेमी कंडक्टर सिलिकॉन इन सब चीजों के बारे में आजकल पूछ रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक ठीक है? है? है, जो हमारे पास वो किस तरह की चीज का इस्तेमाल करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए मैंने बात आपको कल समझाई दी ठीक है कंट्रोल यूनिट का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है ए एल यू और एल यू खुद ही ऑप्शन में एएल यू खुद का थोड़ी ना इस्तेमाल करेगा राइट रजिस्टर येस ठीक है रजिस्टर इज़ ए मेमोरी यूनिट लेकिन यहाँ पे रजिस्टर का भी एक नाम दिया गया है अक्यूमिलेटर ज़्यादा है अक्यूमलेटर रजिस्टर ज़्यादा है ठीक है अक्यूमलेटर रजिस्टर याद है जो कि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट और टेम्प्ररी अगर कोई रिजल्ट होता था टेम्प्ररी जो कोई डेटा होता था उस चीज़ को वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे तो रजिस्टर इज़ नॉट अ लाइक इनकरेक्ट आंसर दो बट उससे प्रसाइज ऑप्शन भी आपके पास गिवन है विच इज़ अक्यूमिलेटर ठीक है याद रखेंगे रजिस्टर तो बहुत तरह के हैं ओके okay. सारे तरह के रजिस्टर्स हमने देख लिए सो so, आप कौन सा आंसर करेंगे यू विल आंसर अमलेट चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लेट्स सी दिस ये तो हमने आज ही पढ़ा है लेट्स सी दिस एवरीवन बताओ ये बताओ <coughs> किस तरह की बस के बारे में बात करिए एड्रेस बस ठीक है सर एड्रेस का याद रखना एड्रेस बस में ए है और ए का मतलब क्या होता है राइट ए पेन है ना बुक इस तरीके से तो एक बुक एक पेन मतलब ये यूनी डायरेक्शनल आप लोगों का जा रहा है सिंगल डायरेक्शन में आप लोगों का जा रहा है एड्रेस बस ठीक है आपका एड्रेस बस बाई डायरेक्शन नहीं होता है अभी सब लोग गलती कर रहे हो यार आज ही पढ़े हो आज ही गलती कर रहे हो ठीक है ये देखो ना एड्रेस बस एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन में ठीक है राइट वेर एज टू टॉक अबाउट द डेटा बस और ए फाइव टू टॉक द कंट्रोल बस ये दोनों बाई डायरेक्शनल आप लोगों की जाती है यस ऑन डू यू अग्री विद मी कि डायरेक्शनल कौन सी बस जाती है भाई आप लोगों की डेटा बस कंट्रोल बस आपकी बाई डायरेक्शनल जाती है कोई भी बस मल्टी डायरेक्शनल नहीं जाती मल्टी डायरेक्शनल होती है सारी डायरेक्शन में ठीक है दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन में दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन है ही नहीं इतनी चीजें है ही नहीं हमारे पास में ठीक है सो याद मल्टी डायरेक्शनल तो कभी भी आंसर नहीं करना वो तो पाप हो जाएगा आप लोगों से ठीक है यूनी डायरेक्शनल बस एड्रेस बस है तो यूनी डायरेक्शनल है अगर उसके अलावा दो बाकी की बची हुई दोनों बस हैं कंट्रोल या डेटा बस हो गई वो बाई डायरेक्शनल है याद रखेंगे इंफॉर्मेशन जरूरी है बहुत 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 जरूरी है आप लोगों को बताने चाहूंगी कि एमआरएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है जल्दी ही आप लोगों से मिलने वाली हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड पूरी जानकारी लेके ठीक है थोड़ी देर में आप लोगों को रिलेटेड उसका वीडियो भी मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि पेपर दीजिएगा ठीक है बहुत अच्छा मौका है सीधे एक सरकारी नौकरी पाने का किसी भी तरह के एलिजिबिलिटी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है यार सर्टिफिकेट मिलेगा फिर कल को वो देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे राइट सो so, सीधे सीधे नौकरी लगने का पूरा पूरा चांस है पोस्ट uh, बहुत सारी भी नहीं है लेकिन पोस्ट कम भी नहीं है देखा जाए तो जितनी प्रॉमिस करिए चलो उसका बीस तीस भी दिया है ठीक है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग आई बिलीव सो जितनी भी पोस्ट हैं करेंगे उसके लिए फाइट मेहनत करेंगे और बेस्ट बन के आएंगे ठीक है बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे और बेस्ट चीज़ों को चीज़ों से एज़ वेल एज़ कंटेंट से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें सो so, अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए तो हमारी पी आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर ठीक है सो so, टेलीग्राम चैनल अगर आपको ढूंढना है तो यू हैव टू जस्ट टाइप टीचर्स अड्डा बाई टारगेट अभी टीचर्स अड्डा बाई टारगेट अभी आपका टेलीग्राम चैनल रहने वाला है इस चैनल के लिए जहाँ पे इस चैनल में जितनी भी क्लासेस होती है ना ठीक है वो आप लोगों की वहाँ पे होंगी ठीक है अगर आपको किसी भी तरह का ई या फिर कोई भी दूसरा अपडेट चाहिए हमारी एप्लीकेशन पे सारे अपडेट्स अवेलेबल हैं काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं एक्साइटिंग कोर्सेज भी हैं और अभी सेल भी चल रही है सो यू कैन जस्ट विजिट टू आर एप्लीकेशन एज़ वेल हमारी जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए ही कंपेटबल है सो so आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है ठीक है सुमन so जी वीडियो के लिए आप स्टेट यूड रहिए ठीक है वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों के लिए बोलूंगी जॉब लोकेशन हरियाणा में डेफिनेटली होगी ऑल ओवर द इंडिया ठीक है राइट जहाँ जहाँ पे आपके ट्राइबल एरियाज रहेंगे वहाँ पे आप लोगों का है बताऊंगी मैं नीरू शर्मा जी जो भी सारा आपका कन्फ्यूजन है वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे सो आई एल सी यू ऑल आई एल मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप रिवाइजिंग एक क्वेश्चन एक रिचुअल जो मैंने शुरू किया था वो ये था कि जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे सो so, काफ़ी टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं सो so, आज का ये क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी डिवाइस इनपुट मतलब आपको वैसे मैंने बीच में पूछ लिया था कि आपको जो भी इनपुट डिवाइसेस पता हैं या आउटपुट डिवाइसेस पता हैं जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मेंशन नहीं है सो so आप डेफिनेटली उनको ड्रॉप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है जो भी इस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने बात करी उसके अलावा अगर आपको कोई भी और डिवाइस पता है सो so उसके बारे में डेफिनेटली आप लोग इन्फॉर्मेशन मैंशन कर सकते हैं हमारे इसी चैनल के कॉमेंट सेक्शन में मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच